दोस्तों अभी हमारा गाड़ी पुलिस थाना वाला लेके जा रहा है। पुलिस आ चुका है, ये देखिए सामने दिखा उधर, थाना वाला आ गया है और हमारा गाड़ी थाना पे लेके जा रहा है पुलिस वाला। अब देखते हैं क्या मैटर होता है। अब समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे गाड़ी खड़ा किए तो पुलिस बोलता थाना में गाड़ी लेके चलो। अब हम लोग फिलहाल थाना में गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब क्या मैटर हुआ थाना में जाने के बाद ही पता चलेगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है फिर से हमारे एक नए ट्रैकिंग ब्लॉक में। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम लोग हल्दिया डक में ही जाम में बुरी तरह फंस गए थे और लगभग 12 बज गए थे, उसके बाद भी हम लोग नहीं निकले थे। फाइनली हम लोग 2 बजे रात को हम लोग को पेपर मिला था तो हम लोग हल्दिया डक से बाहर निकले थे। और हल्दिया से 4 किलोमीटर बगल में ये देख सकते हैं, ये पार्किंग में हम लोग गाड़ी लगाए हैं। एक अंकल का गाड़ी, एक हमारा गाड़ी है। अंकल का गाड़ी सामने आप देख सकते हैं, उधर लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं एक फार्म है, तो फार्म हाउस में ही हम लोग का गाड़ी लाके खड़ा कर दिया गया है, क्योंकि इसमें जीपीएस और गाड़ी में सील लगेगा, क्योंकि ये जो माल जो है वो गिरिडीह जाएगा चाइना फैक्ट्री में, इसके लिए पूरा सेफ्टी के साथ में जाएगा और सील और जीपीएस वगैरह सारा लगेगा। तो आज सुबह के अभी 8 बज रहे हैं। आज बहुत ही खुशी का बात है कि पूरा देश आज आज़ादी का जश्न मना रहा है। तो आज भारत को आज़ाद हुए 76 साल हो गया और आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। तो आज हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 200 साल अंग्रेजों की दास्ता के बाद हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था और ना जाने कितने अनगिनत वीर सपूतों ने अपनी प्राणों के बलि देकर भारत देश को आज़ाद कराया था। तो मैं उन सभी वीर शहीदों को मैं नमन और प्रणाम करता हूँ। उन्हीं की वजह से आज हम लोग आज़ाद भारत में घूम रहे हैं, हर तरह का हम लोग का अधिकार मिला हुआ है, तो बहुत ही खुशी की बात है। और आप लोगों सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिलहाल हम लोग नहा धोवा के पूरा फ्रेश हो चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं खाना बनाने के लिए। और 10 बजे दिन में आएगा तो हमारा गाड़ी का सील वगैरह सारा करेगा। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और हम लोग सारा सामान ला के ट्राले के नीचे रख दिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम लोग खाना बनाने वाले हैं। यहाँ पे चावल चढ़ा दिए हैं और दाल हमारा बन जाएगा, उसके बाद इधर करेला, भिंडी और ये आलू है, तो तीनों का मिक्स भुजिया आज बनाएंगे, क्योंकि इतना सब्जी बचा हुआ था तो हम सोचे कि अब गाड़ी चलेगा तो खाना बनेगा नहीं हम लोग का गाड़ी में। तो फिलहाल हम सोचे कि तीनों का मिक्स भुजिया बना देते हैं। तो फिलहाल अभी भुजिया काट रहे हैं और उधर हमारा चावल बन ही रहा है, उसके बाद दाल चढ़ा देंगे, उसके बाद हमारा करेला का भुजिया बनेगा। अभी समय है, अभी तक जीपीएस वाला आया नहीं है, जीपीएस वाला आएगा गाड़ी में सील मारेगा, तब तक सोचे टाइम है हमारे पास 2 घंटा, तब तक बना लेते हैं खाना। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप देख सकते हैं सुबह केक और ये पानी, आज हम लोग का ये केक का नाश्ता होगा और फिलहाल उधर खाना बन रहा। तो सुबह जाके गेट से बाहर हम केक लेके आए, आज हम लोग यही नाश्ता कर लेते हैं। खाना बन ही रहा, एक डेढ़ घंटा में खाना बन जाएगा, तो फिलहाल नाश्ता कर लेते हैं। केक दोस्तों सुबह का नाश्ता, ये देखिए केक है। और धर्मेंद्र गया सुबह में चाय पीने के लिए और ढेर सारा केक लेके आ गया है, 5 केक लेके आया, तो 2 अभी खा रहे हैं और 3 गाड़ी में रखा हुआ है, एक पानी बोतल भी ले आया था। खैर कोई नहीं, इधर खाना वगैरह हम लोग का बन ही रहा है, बस केक का थोड़ा नाश्ता कर लेते हैं, थोड़ा पेट में तरी आ जाएगा, क्योंकि भैया हल्दिया में जाम में हम लोग का हालत खराब हो गया, 2 बजे रात में हम लोग हल्दिया से निकले हैं। केक मीठा है भैया? केक मीठा है? हाँ मीठा है, मीठा। दोस्तों हमारा ये चावल बन चुका है, आप देख सकते हैं। और इधर मैंने दाल का सारा आइटम काट के डाल दिया है, इसमें लहसुन मिर्चा प्याज टमाटर। और ये देख सकते हैं भिंडी का भुंजिया वगैरह भी हम लोग काट लिए हैं, भिंडी का भुंजिया है, करेला है, आलू का भी भुंजिया काट लिए हैं। इधर धर्मेंद्र भाई जो है, तेल मेरा ख़त्म हो गया था तो 1/2 लीटर हम लोग लाए थे पौच वाला तेल, तो वो डब्बा में डाल दे रहा है। तो फिलहाल हमारा चावल बन ही चुका है, इधर दाल भी बन जाएगा, सिर्फ भुंजिया बचेगा, ये भी हम लोग बना लेंगे। दोस्तों हमारा ये दाल बन चुका है कुकर में, देख सकते हैं। और मैंने कढ़ाई भी चढ़ा दिया और इसमें तेल भी डाल दिया हूँ और तेल ऑलरेडी हमारा गर्म हो चुका है। इसमें भिंडी, करेला और आलू का मिक्स भुजिया बनाने वाले हैं आज हम लोग। तेल तो गर्म हो ही गया, अब सारा आइटम डाल देते हैं एक साथ में। अभी 1/2 घंटा लगेगा इसको बढ़िया से भूनने में।
क्योंकि तीनों आइटम डाल दिए हैं और इसमें जब तक बढ़िया से नहीं तेल में फ्राई होगा तब तक भिंडी की भुजिया बनने वाला नहीं। दोस्तों ये देख सकते हैं तेल में मस्त फ्राई हो रहा है हमारा भुजिया और अपना कलर में आते जा रहा है। 10 मिनट और लगेगा इसको, ये पूरा बन जाएगा बढ़िया। दोस्तों हमारा भिंडी का भुजिया तो कंप्लीट हो चुका था, अब हम लोग थोड़ा दाल को छोंक देते हैं। दोस्तों हमारा थाली में खाना निकल रहा है, आप देख सकते हैं। तो खाना हमारा ऑलरेडी भुजिया वगैरह सारा बन ही गया, दाल वगैरह, तो हम लोग खाना भी खा ही लेते हैं। दोस्तों हमारे ये देख सकते हैं दाल भात भुजिया निकल चुका है थाली में, अब हम लोग खाना खाने का तैयारी करेंगे। हमारा खाना निकल चुका है 3 थाली में देख सकते हैं, और अंकल जी कल साथ में ही हमारे साथ में थे, तो रसा त्रिपाल हम लोग कर दिए थे, इनका हेल्पर नहीं था। तो हम लोग कल रात में पूरा जाम में, तो हम लोग का हालत पूरा ख़राब हो गया था। तो 2 बजे रात में यहाँ पे पहुँचे थे, तो सुबह सुबह हम लोग खाना पीना सब बना लिए हैं, तो दाल भात भिंडी का भुजिया, इसमें आलू भी डाल दिए हैं और करेला भी डाल दिए हैं, तो बहुत ही मस्त हम लोग का खाना बन गया है। और हम लोग चाचा और भतीजा और धर्मेंद्र भाई तीनों मिल बैठ के आराम से खाना खाते हैं। खाओ क्या तू अब हो गए तू चालू रहो दे ना ओकरा वह तर चालू रहो दे और सामने वाला कैमरा करके इधर रख दो नहीं समझ में आता है। दोस्तों दोपहर के 11:30 बज चुके हैं, ये देख सकते हैं सील हमारा गाड़ी में लग चुका है, तो सील के वजह से हमारी गाड़ी रुक गई थी। अभी जीपीएस वाला आने वाला है, तो जीपीएस भी गाड़ी में लगेगी, तो आप देख सकते हैं कोयला कितना ही सेफ्टी से सील और जीपीएस होके जाता है गिरिडीह। बाकी उधर जो है अंकल जी थोड़ा अपना रस्सा त्रिपाल कर देना है जो जो हुक्म छूट गया था, क्योंकि सील सारा हुक्म लगता है इसीलिए। दोस्तों अभी हमारा गाड़ी पुलिस थाना वाला लेके जा रहा है, पुलिस आ चुका है, देखिए सामने दिखा उधर थाना वाला आ गया है और हमारा गाड़ी थाना पे लेके जा रहा है पुलिस वाला। अब देखते हैं क्या मैटर होता है, अब समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे गाड़ी खड़ा किए तो पुलिस बोलता है थाना में गाड़ी लेके चलो, अब हम लोग फिलहाल थाना में गाड़ी लेके जा रहे हैं, अब क्या मैटर हुआ है थाना में जाने के बाद ही पता चलेगा। फाइनली दोस्तों 2 बज चुके हैं और गाड़ी हमारा थाना से छूट गया है। हुआ क्या था कि जो पार्किंग हम लोग गाड़ी लगाए थे वो कंपनी का फैक्ट्री था, सील किया हुआ था, और पार्टी जो वहीं पे गाड़ी लगवा दिया था, इसके वजह से थाना वाला को थोड़ा शक हुआ, तो तीनों गाड़ी हम लोग को थाने पे लेके चला गया। बाद में पूरा फाइल बिल्टी चेक किया, माल का पेपर चेक किया, और जो पार्किंग का आदमी था और पार्टी जिसका माल लोड किया था वो सारा थाना पे पहुंचा, तो वहाँ डील हुआ, तब हमारा गाड़ी छोड़ा है। फिलहाल अभी हम लोग आगे एचपी के पंप पे लगाते हैं जहाँ परसों लोग रुके हुए थे, तो एक टायर पंचर हो गया है, पहले टायर पंचर बना लेते हैं और लगता है 3 या 4 बजे तक हमको पेपर देगा। ठीक है भाइयों, पहले आगे जाके टायर पंचर बनवा लेते हैं। फाइनली दोस्तों हम लोग टायर पंचर के दुकान पे आ चुके हैं और ये देख सकते हैं टायर भी हमने बदली कर दिया है और मिस्त्री जी टायर हमारा फिटिंग कर रहा है, तो हमारा टायर पंचर वाला पूरा काम हो चुका है। फाइनली दोस्तों शाम के 3:30 बज चुके हैं और हमारा बिल्टी मिल चुका है ये पेपर, अब हम लोग निकलते हैं गिरिडीह के लिए। काफी लेट हो चुका है हम लोग का, हम लोग निकल जा रहे हैं टाइम से। दोस्तों शाम के 6 बज रहे हैं और हम लोग धुल्लागढ़ टू टेक्स पार कर चुके हैं, तो अब यहाँ से दानकुनी 20 किलोमीटर बचा हुआ है, तो ये पूरा कलकत्ता का ही बाईपास है, राइट साइड में पूरा कलकत्ता का पूरा सहारा जाता है महानगर। फिलहाल हम लोग पार कर गए हैं और रात भर गाड़ी चलाएंगे हम लोग, सुबह सुबह हम लोग का गिरिडीह पहुँच जाना है, कल माल खाली करना है, रात बहुत लेट हो चुका है हम लोग। दोस्तों शाम के 7 बज रहे हैं और हम लोग दानकुनी टोल टैक्स पार करके, ये देखिए हम लोग चाय के दुकान पे आ चुके हैं, ये भैया जी का ठेला का चाय का दुकान है, तो यहीं पे हम लोग बिस्कुट और ये देख सकते हैं चाय अभी हम लोग पियेंगे, और टायर हमारा पूरा गर्म हो चुका है ये देख सकते हैं, तो थोड़ा टायर में हवा लगवा रहे हैं, थोड़ा टायर ठंडा रहेगा तो ज़्यादा दूर तक जाएगा, क्योंकि जो टायर पंचर हो गया था, टायर पंचर ही टायर एक मेरा उड़ गया था, तो स्टेपनी लगाया, तो एक टायर बड़ा हो गया एक छोटा हो गया है,
की वजह से टायर एक ज्यादा गर्म हो गया, उसको ठंडा करेंगे, उसके बाद हम लोग निकलेंगे गिरिडीह के लिए। फिलहाल अभी चाय पी लेते हैं भैया वाला ठेला के पास। दोस्तों हमारा चाय पानी तो हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। अभी वर्धमान यहाँ से 60 किलोमीटर बचा हुआ है, बाकी हम लोग चल ही रहे हैं। क्या क्या बोले? तड़का, भिंडी प्याज, चना मसाला, मिक्सचर, अंडा और मिक्स वेज पनीर मसाला। दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं और हम लोग पानाघर से पीछे बुदबुद में आ चुके हैं और हम लोग होटल में खाना का ऑर्डर भिंडी प्याज और ये देख सकते हैं तड़का दाल, तो यही हम लोग का खाना है ड्राइवर और खलासी का, क्योंकि आज भिंडी प्याज और तड़का खाने का मन किया धर्मेंद्र भाई को, हम बोले दोनों चीज़ का ऑर्डर कर देते हैं। फिलहाल हम लोग दोनों भाई एक साथ में ही बैठ के खाने वाले हैं, बाकी खा के देखते हैं भिंडी प्याज और तड़का क्या टेस्ट लगता है। ऐसे दोपहर में 1 बजे खाना हम लोग खाए थे, 11 बजे, उसके बाद अभी खाना खा रहे हैं। भिंडी प्याज के बहुत टेस्टी है, खा के मज़ा ही आ जा रहा है। बाकी धर्मेंद्र भाई का थाली इधर लगा हुआ है, अभी खाएगा वो भी। यो हम होटल में आ चुके हैं, आप देख सकते हैं आज हम लोग का तड़का और भिंडी का भुजिया और इधर आलू का भुजिया है। आज हम लोग खाना यही होने वाला है। दोस्तों हम और धर्मेंद्र होटल से खाना खा के आ गए गाड़ी पे, तभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और अभी भी गिरिडीह 180 किलोमीटर बता रहा है यहाँ से मैप पे जब चेक किए हम तो। खैर कोई बात नहीं, 10 मिनट आराम करके हम लोग सीधा रात भर चलेंगे और सुबह तक हम लोग को गिरिडीह पहुँचना है, तो अब कंटिन्यू रात भर हम लोग चलेंगे। तो अब इस ब्लॉग को पे यही पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट, जय हिंद।